अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम मुल्तान आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने शाह रुकने आलम मज़ार का विजिट किया है, और हमारा दूसरा विजिट अब हम करने जा रहे हैं शाह शमस तबरेज़ का मज़ार। और अगर आपने शाह रुकने आलम मज़ार की वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके शाह रुकने आलम मज़ार की वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि शाह शमस तबरेज़ का मज़ार कैसा बनाया गया है। आप अगर मुल्तान में नए हैं तो आप गूगल मैप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वैसे आपको रोड्स का पता नहीं चलेगा। उसके बाद आप मज़ार की तरफ चलते हैं, तो ये मज़ार की एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे आपको काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मिलेंगी, जिसमें आपको बुक स्टॉल्स मिलेंगे और दूसरी काफ़ी आपको देखने की अशिया यहाँ पर मिल जाएंगी, जो कि खरीदो फरोख्त के लिए हैं। उसके बाद मज़ार की एंट्रेंस पर आपको कुछ लोग मिलेंगे जो आपकी चेकिंग करेंगे, लेकिन मेरी किसी किस्म की चेकिंग नहीं की गई थी और मुझे अंदर जाने दिया था। जैसे ही अंदर आएंगे तो आप जूते जमा करवा के आप अंदर चले जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा मज़ार नहीं है, छोटा सा मज़ार है, और स्टार्टिंग में आपको वैसे ही अंदर शॉप्स वगैरह मिलेंगी। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक काला झंडा नज़र आएगा, जो कि शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इनकी इंतज़ामिया सारी शिया कम्युनिटी है, तो इसलिए यहाँ पर आपको अलम और दूसरी चीज़ें इस तरह की देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी। वहाँ से आप राइट साइड पे एंटर होंगे तो आपको इनका रोज़ा मुबारक नज़र आएगा, शाह शमस तबरेज़ साहब का, और जो कि बहुत बड़ी हस्ती गुजरी हैं। और अंदर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अकीदे लेके आते हैं, जो कि यहाँ पे आके वो समझते हैं कि वो उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं और अल्लाह ताला इनके वसीले से उनके काम कर देता है। और बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे अपनी मन्नतें और मुरादें लेकर आती है। उनके अलावा इन बोर्ड पर आप देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। दूसरी जगह पे अभी आपको शिया कम्युनिटी के झंडे नजर आएंगे, जो कि अलम के साथ मौजूद हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ पे बैठ के जो दिए वगैरह वो फरोख्त करते हैं, ताकि लोग इनको लेकर यहाँ पे जला सकें। दूसरे मज़ारों की तरह यहाँ पे भी कबूतरों को डालने के लिए दाना का अहतमाम किया हुआ है। उसके बाद बाहर निकलते हुए आपको कुछ कवाल यहाँ पे मिलेंगे, जो कि कवालियाँ और कुछ तारीफी जुमले वगैरह कह रहे होंगे। उसके बाद वापसी पे इस तरह का व्यू आपको नज़र आता है, और यहाँ पे क्योंकि शिया कम्युनिटी के मुझे काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं, आपको हर शॉप पे अलम और झंडे और इस तरह की रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था शाह शमस तबरेज़ के मज़ार पे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।